सीडीएस बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में शोक। कल तमिलनाडु में क्रैश हुआ था सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। जिस हेलीकॉप्टर में हादसा हुआ उसमें कुल 14 लोग थे सवार, 13 लोग शहीद हो गए, एक जवान का गंभीर हालत में हो रहा है इलाज। कुन्नूर हादसे में अकेले बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जारी है, पूरे देश में हो रही है ग्रुप कैप्टन की सलामती की दुआएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे दिल्ली, सीडीएस बिपिन रावत की आकस्मिक निधन की परिवार से करेंगे मुलाकात, पौड़ी के रहने वाले थे सीडीएस बिपिन रावत। आज कुन्नूर से दिल्ली लाए जाएंगे सभी 13 पार्थिव शरीर, राष्ट्रीय सम्मान के साथ कल दी जाएगी अंतिम विदाई। कल सुबह 2 बजे तक लोग कर पाएंगे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लोग कर पाएंगे अंतिम दर्शन। बता दें कि दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड में आज से 11 दिसंबर तक 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा, उत्तराखंड सरकार ने किया ऐलान। क्रैश को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों सदनों में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर देंगे बयान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम मानी जा रही है, कहा जा रहा है कि लो विजिबिलिटी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी भी हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के साथ थे, पृथ्वी की गिनती वायुसेना के जाबाज पायलट्स में शुमार है।